ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿ ਵਧੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਸਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ पतिव्रता नारी हूँ और मुझे अपने अस्तित्व की रक्षा करनी अच्छी तरह से आती है। तुझ जैसे पापी की रानी बनने से पहले मैं मृत्यु ग्रहण कर लूंगी। मैं उन्होंने मुझे यहाँ आपकी खोज करने मांगकर और मुझे लक्ष्य न करो और भी कोई मुझे आज्ञा दे, मैं भी उस बालक का सिर काट के आपके चरणों में रख दूंगा। जाओ पुत्र अक्षय, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो आज्ञा भी समझ आ रहा हूँ, जा चला जा, तू क्यों मेरे हाथों से बेमौत मान। अरे मूर्ख माने, तू जानते नहीं मेरी आंखें लगी हुई है, तो आ मुझसे भेद करो। लंका पर चढ़ाई कर दी महाराज, उन वनवासियों ने लंका से क्या लेना। जीता रावण, जिसके आगे शत्रुहीन मानहीन होके रह गया, उसे मान जी ही ला सकते हैं। प्रभु श्री राम, मैं अभी लंका पर जाकर जय जी को। एक शैलगिरी नाम की पहाड़ी है, वहाँ पर एक संजीवनी बूटी है, अगर उसे कोई सूर्य उदय होने से पहले मेरे पास ले आए तो। वह जी वहाँ तो कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ थी, मैं वहाँ पर पहचान ना सका, इसलिए मैं पूरा हिमालय पर्वत ही उठा लाया। मैं तुझे अकेले युद्ध पर नहीं जाने दूंगा, अगर तुम्हें कुछ एक शत्रु पे करना चाहिए था, पराहट दूर हो जाए, क्यों मुफ्त में कर रहे हैं और तुम्हें मृत्यु का भय दिखलाता है। नहीं महाराज, उन वनवासियों ने तो आपके पुत्र मेघनाथ का ही वध कर डाला। नहीं, जय कदापि नहीं हो सकता, एक मामूली से बंदर मेरे पुत्र मेघनाथ का वध कर दे, लगता है अब हमें स्वर्ग भी कांपती है, समुन्द्र में तूफान आ जाता है।